हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अबाउट ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी। आज इस वीडियो में हम किडनी की ब्लड सप्लाई को डिटेल में समझेंगे। तो किडनी एक बीन शेप का स्ट्रक्चर होता है जो कि एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है। इसका काम होता है ब्लड को फिल्टर करना। ब्लड को फिल्टर करने के माध्यम से यह हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स को, वेस्ट प्रोडक्ट्स को यूरिन के फॉर्म में रिलीज करती है। ठीक है, अब किडनी के बेसिकली तीन पोर्शंस होते हैं। बाहर वाला पोर्शन होता है रीनल कॉर्टेक्स, देन मिडिल पोर्शन इज नोन एज रीनल मेडुला। रीनल मेडुला इज मेड अप ऑफ पिरामिड शेपेड रीनल पिरामिड्स, है ना। यहाँ आप डायग्राम में देखें, ये जो येलो कलर के स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर रीनल पिरामिड्स। और जो अंदर वाला स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं रीनल पेल्विस। अब अगर हम रीनल ब्लड फ्लो देखें तो इट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट रीच द किडनीज, बोथ किडनीज पर मिनट, है ना, विच इज अबाउट 1.2 टू 1.3 लीटर्स पर मिनट। इसका मतलब है कि किडनी में जितना भी ब्लड हमारे बॉडी में हार्ट के द्वारा पंप होता है उसमें से लगभग 1.2 से 1.3 लीटर पर मिनट कहाँ पहुंचता है, इट रीचेज द किडनी, जिसको हम ये कह सकते हैं इट इज 26% ऑफ कार्डियक आउटपुट, है ना। हार्ट जितना भी ब्लड पंप करता है उसका जो 26% है ये कहाँ पहुंचता है, ये पहुंचता है हमारी किडनीज में, बोथ किडनीज में। ठीक है, तो किडनी का अगर हम आर्टेरियल सप्लाई देखें तो इट इज सप्लाइड बाय द रीनल आर्टरी, और जो इसका वीनस ड्रेनेज है दैट इज बाय द रीनल वेन, है ना। यहाँ पे हम आर्टेरियल सिस्टम को बेसिकली फोकस करेंगे। तो अब हार्ट ब्लड को पंप करता है, वेंट्रिकल से निकलती है अयोटा विच इज द मेन आर्टरी ऑफ द बॉडी, है ना। अब ये जो अयोटा है, ठीक है, असेंडिंग अयोटा, देन आर्च ऑफ अयोटा, देन डिसेंडिंग अयोटा, व्हेन दिस अयोटा रीचेस द एब्डोमन, इसको अब हम बोलते हैं एब्डोमिनल अयोटा, है ना। यहाँ पे आप डायग्राम में देखें, ये जो एब्डोमिनल अयोटा है एट द लेवल ऑफ L2 इट गिव्स द ब्रांचेस जिनको हम बोलते हैं रीनल आर्टरी, है ना। तो यहाँ पर ये दो ब्रांच देती है रीनल आर्टरी, एक राइट रीनल आर्टरी और दूसरी लेफ्ट रीनल आर्टरी, जो कि दोनों किडनीज को सप्लाई करने का काम करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने एक आर्टरी को शो किया है, ठीक है। अब ये जो आर्टरी है इट डिवाइड्स इनटू सेगमेंटल आर्टरी, है ना। तो यहाँ पे आप देखें, ये जो रीनल आर्टरी है इट एंटर्स द किडनी फ्रॉम हाइलम। हाइलम ये वाला स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे, यहाँ पे जो ये कर्वेचर है, ठीक है। तो हाइलम से रीनल आर्टरी एंटर करती है और यहाँ पर ये कुछ ब्रांचेस देती है जिनको हम बोलते हैं सेगमेंटल आर्टरी, ठीक है। अब ये सेगमेंटल आर्टरी इट डिवाइड्स इनटू इंटरलोबर आर्टरी। इंटरलोबर का मतलब है लोब्स के बीच में जाने वाली आर्टरी, है ना। अब यहाँ आप डायग्राम में देखें, लोब का क्या मतलब है, ये जो एक रीनल पिरामिड और इसके ऊपर प्रेजेंट कॉर्टिकल आर्च इट फॉर्म्स अ लोब ऑफ अ किडनी। तो अगर हम इस डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पे बेसिकली देयर आर फोर लोब्स, ठीक है। तो अब ये जो आर्टरी है सेगमेंटल आर्टरी, यहाँ डायग्राम में देखें, अब ये लोब्स के बीच में रन करने लगती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इंटरलोबर आर्टरी, है ना। अब ये जो इंटरलोबर आर्टरी है इट डिवाइड्स इंटू आर्केट आर्टरी। यहाँ देखिए आप, अब इंटरलोबर आर्टरी ये रन कर रही है लोब्स के बीच में, और जब ये बेस ऑफ द पिरामिड पर आती है, दीज आर रीनल पिरामिड्स, तो ये आर्च फॉर्म में, देख रहे हैं एक धनुष के जैसे, है ना, एक आर्च के फॉर्म में डिवाइड होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं आर्केट आर्टरी, ठीक है। अब ये जो आर्केट आर्टरी है इट फर्दर डिवाइड्स इंटू इंटरलोब्यूलर आर्टरी, है ना। तो ये जो आर्केट आर्टरी है, ठीक है, अब ये आर्केट आर्टरी डिवाइड कर रही है ये इंटरलोब्यूलर आर्टरी में, ठीक है। इंटरलोबुलर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक लोब के अंदर ये बहुत सारी आर्टरी हो गई, है ना, तो इंटरलोबुलर आर्टरी में डिवाइड हो रही है। आगे जाके ये बनाती है एफरेंट आर्टेरियोल, है ना। तो ये जो आर्टरी है अब ये डिवाइड करती है एफरेंट आर्टेरियोल में, और एफरेंट आर्टेरियोल इट डिवाइड्स इनटू अ कैपिलरी टफ्ट विच इज नोन एज ग्लोमेरुलस, ठीक है। अब ग्लोमेरुलस फर्दर डिवाइड होता है इनटू इफरेंट आर्टेरियोल, है ना। यहाँ पे देखें, ये डिवाइड करता है इफरेंट आर्टेरियोल में, है ना। तो यहां तक तो क्लियर है। अब आगे हम इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमको एक दूसरे डायग्राम को समझना पड़ेगा, जो कि एक डिटेल्ड व्यू है। देखिए, अब ये जो डायग्राम है, ठीक है, इसको आप ऐसे समझें, एग्जैक्टली ऐसा है ना। ये रीनल आर्टरी है, ये अंदर आई, ठीक है, ये जो है बेसिकली एरिया, यहां पर ये डिवाइड होती है ना। अब यहाँ पे ये सेगमेंटल आर्टरीज में डिवाइड हुई, दीज आर द सेगमेंटल आर्टरीज। अब ये जो सेगमेंटल आर्टरीज हैं, ये लोब हैं, है ना। तो ये इंटरलोबर आर्टरी में डिवाइड हुई,
इंटरलोबर आर्टरी एंड वेन, आर्टरीज और वेन दोनों साथ साथ चलते हैं, है ना। तो इंटरलोबर आर्टरी और वेन में डिवाइड हुआ। अब ये पिरामिड पर आकर, जैसे ही ये पिरामिड पे आता है तो ये आर्च के फॉर्म में डिवाइड हो गई। दिस इज आर्केट आर्टरी, है ना। तो ये आर्केट आर्टरी में डिवाइड हो गई। अब आर्केट आर्टरी किस में डिवाइड होता है? इंटू द इंटरलोब्यूलर आर्टरी। दिस इज इंटरलोब्यूलर आर्टरी। इंटरलोब्यूलर आर्टरी अब डिवाइड होती है इंटू इंटू एफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट आर्टेरियोल कैपिलरी टफ्ट में डिवाइड हुआ, जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस एफरेंट आर्टेरियोल में डिवाइड हुआ, है ना। अब एफरेंट आर्टेरियोल के बाद थोड़ा सा कॉर्टिकल और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में जो ब्लड सप्लाई है ये अलग है ना। अब ये होते क्या है थोड़ा सा हम देखते हैं। दो तरीके के नेफ्रॉन्स किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वन इज कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड अनदर इज जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, है ना। कॉर्टिकल नेफ्रॉन का जो मेजर पोर्शन है ये कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है, और थोड़ा सा पोर्शन जो है वो डिप करता है इनटू द मेडुला। लेकिन जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन को अगर हम देखें तो जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है इसका मेजर पोर्शन इट डिप्स इनटू द रीनल मेडुला, और थोड़ा सा पोर्शन इसका प्रेजेंट होता है कॉर्टेक्स में, है ना। तो दोनों का जो आर्टेरियल सप्लाई आफ्टर एफरेंट आर्टेरियोल ये अलग अलग है। अब हम देखते हैं क्या होता है। अब ये जो एफरेंट आर्टेरियोल है, पहले हम देखेंगे, फर्स्ट लेट अस स्टडी अबाउट द कॉर्टिकल नेफ्रॉन, है ना। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर ये जो एफरेंट आर्टेरियोल है ये फर्दर डिवाइड करता है इनटू कैपिलरी प्लेक्सेस, जिसको हम बोलते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। ये जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हैं ये पूरे के पूरे नेफ्रॉन्स को क्या करते हैं, ये इस तरीके से ये सराउंड करने का काम करते हैं, है ना। तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में डिवाइड हुआ। पेरिट्यूबुलर कैपिलरी ड्रेन करती है पेरिट्यूबुलर वेन्यूल में, ठीक है। दिस इज द पेरिट्यूबुलर वेन्यूल, और पेरिट्यूबुलर वेन्यूल फिर फर्दर ड्रेन करता है इनटू, यहां पर आप देखें, वापस से पूरा सिस्टम इंटरलोबुलर वेन, ठीक है। इंटरलोबुलर वेन फिर फर्दर डिवाइड होगी इनटू द आर्केट वेन, फिर इंटरलोबर वेन, फिर सेगमेंटल वेन, और फिर रीनल वेन, है ना। तो यहां से रीनल आर्टरी से ब्लड आया, ये रीनल आर्टरी से ब्लड आया, यहां से होता हुआ पेरिट्यूबुलर वेन्यूल से होता हुआ, आर्केट से होता हुआ, इंटरलोबर से होता हुआ, ये ब्लड वापस चला गया। अब जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन में थोड़ा सा ये ब्लड सप्लाई अलग होती है। ये देखिए, ये बोमन्स कैप्सूल है, ये ग्लोमेरुलस है, ये किसका था, ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन का है ना। ये वाला जो ग्लोमेरुलस, ये बोमन्स कैप्सूल है, ये किसका है, ये जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन का है ना। तो यहाँ पे जो एफरेंट आर्टेरियोल है, ठीक है, ये एफरेंट आर्टेरियोल हो गया, ये ग्लोमेरुलस हो गया, ये एफरेंट आर्टेरियोल हो गया। तो ये जो एफरेंट आर्टेरियोल है इट ब्रेक्स इनटू न्यूमरस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, जिसको हम बोलते हैं वासा रेक्टा, है ना। तो ये जो वासा रेक्टा है ये किसको सराउंड करते हैं, दिस सराउंड द, ये पूरा का पूरा जो रीनल ट्यूब्यूल है इसको सराउंड करने का काम करते हैं। और फाइनली जो ब्लड है ये वासा रेक्टा से अगेन ये ड्रेन करता है इनटू द पेरिट्यूबुलर वेन्यूल, देन इंटरलोबर वेन, देन सेगमेंटल वेन, एंड देन रीनल वेन, है ना। तो अगर हम देखें, यहां पर हमने यहां तक देख लिया था एफरेंट आर्टेरियोल तक। अब एफरेंट आर्टेरियोल इट ब्रेक्स इनटू पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज एंड वासा रेक्टा, है ना। अगर कॉर्टिकल नेफ्रॉन होगा तो वो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में ब्रेक होगा, अगर जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन होगा तो वासा रेक्टे में ब्रेक होगा। फाइनली ब्लड वासा रेक्टे और पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज से ड्रेन करता है इनटू पेरिट्यूबुलर वेन्यूल, ठीक है। यहां से ब्लड ड्रेन करता है इनटू, देखो वासा रेक्टा से भी ब्लड आ गया, यहां से भी आ गया इनटू द इंटरलोबुलर वेन। इंटरलोबुलर वेन से ब्लड ड्रेन करता है इनटू आर्केट वेन, ठीक है। आर्केट वेन से ब्लड ड्रेन करता है इनटू इंटरलोबर वेन। इंटरलोबर वेन आगे जाके ब्लड को ड्रेन करती है इनटू सेगमेंटल वेन, ठीक है, जो कि ब्लड को ड्रेन करते हैं रीनल वेन में। और रीनल वेन से ब्लड अल्टीमेटली इट ड्रेन्स इनटू द इंफीरियर वेन केवा, और यहां से जो ब्लड है अगेन इट रिटर्न्स टू द हार्ट, है ना, राइट साइड ऑफ द हार्ट, जो कि इम्प्योर ब्लड को लेकर आती है, है ना। तो ये था हमारा ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी। सो लेट अस ब्रीफ द टॉपिक। तो एब्डोमल एओर्टा की ब्रांच है रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी हेलम से एंटर करती है, ठीक है, और ये डिवाइड करती है इनटू सेगमेंटल आर्टरीज। सेगमेंटल आर्टरी लोब्स के बीच में रन करती है, जिसको हम बोलते हैं इंटरलोबर आर्टरी। इंटरलोबर आर्टरी आर्च पिरामिड के बेस पर डिवाइड होती है इनटू आर्केट आर्टरी। आर्केट आर्टरी से निकलती है इंटरलोब्यूलर आर्टरी। इंटरलोब्यूलर आर्टरी डिवाइड्स इनटू अफरेंट आर्टेरियोल। अफरेंट आर्टेरियोल एक कैपिलरी टफ्ट बनाता है, जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। यहां से ब्लड लीव करता है एफरेंट आर्टेरियोल में।
ये जो इफरेंट आर्टेरियोल है इट डिवाइड्स इनटू पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो कि ट्यूब्यूल्स के अराउंड ये इस तरीके से सराउंड करती हैं, ब्लड ड्रेन्स इनटू पेरिट्यूबुलर वेन्यूल्स, है ना। लेकिन अगर कॉर्टिकल नेफ्रॉन होगा तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में डिवाइड होगा, लेकिन अगर जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है तो ये जो इफरेंट आर्टेरियोल है ये डिवाइड करता है इनटू लूप्स, है ना, इस तरीके से जो आर्चेस आप देख रहे हैं जिनको हम बोलते हैं वासा रेक्टा, ये अगेन ट्यूब्यूल्स को सराउंड करने का काम करते हैं। यहां से ब्लड ड्रेन करता है पेरिट्यूबुलर वेन्यूल में, पेरिट्यूबुलर वेन्यूल ब्लड को ड्रेन करती है इंटरलोब्यूलर वेन में, इंटरलोब्यूलर वेन ब्लड को ड्रेन करती है आर्केट वेन में, देन इंटरलोबर वेन, और इंटरलोबर वेन ड्रेन करती है इनटू सेगमेंटल वेन जो कि ड्रेन करता है रीनल वेन में, एंड विच फाइनली ड्रेन्स इनटू इंफीरियर वेने कैवा, है ना। सो दिस वाज अबाउट द ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।